हेलो एवरीवन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज लक्ष्मी शंकर एस कोर्स के इस बैकलिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोफाइल बाइकलिंग्स तो so, प्रोफाइल बैकलिंक्स कहाँ बनाते हैं कैसे बनाते हैं इसका बेनिफिट्स होता है या नहीं होता है बैकलिंकिंग के टर्म में ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लाइक हम लोग जब बैकलिंकिंग बनाते हैं बैकलिंक्स बनाते हैं तो लाइक गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू बैकलिंग बनाते हैं ईमेल समिशन के थ्रू आर्टिकल समिशन के थ्रू कोरा पर जाकर के मीन्स कोरम के थ्रू कोरा पर जाकर के हम लोग सबमिशन करते हैं और वहां पर बैकलिंग बनाते हैं ऐसे ही प्रोफाइल बैकलिंग बनाते हैं प्रोफाइल बैकलिंग सोशल मीडिया पर जाकर करके लाइक कोरार लिंकड इन फेसबुक गिटहब ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया उस पर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोफाइल बना करके उसमें आप अपने अदर सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक मेंशन कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर सकते हैं तो so, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं बट एज पर गूगल गूगल बोलता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आपके मतलब जो भी प्रोफाइल बनाते हैं उसका एज सच कोई वैल्यू नहीं हो देता है बट इसका बेनिफिट जरूर होता है बेनिफिट क्या होता है लाइक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर योर वेबसाइट में ओट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब यहां पर यह होता है कि आपके वेबसाइट को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है सपोज दैट आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो जब गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं तो वहां पर जाकर अपना ऑथर ऑथर डिटेल्स डिटेल्स मेंशन करते हैं के अंदर आप अपने अपने सोशल मीडिया लिंक और वेबसाइट का लिंक देते हैं तो जो सोशल मीडिया लिंक्स देते हैं जब गूगल का बॉट वहां पे जाता है क्रॉल करता है तो उस लिंक पे भी जाता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म लिंक्स को भी देखता है और वो देखता है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आपका प्रोफाइल कितना है आप क्या मतलब सपोज दैट आप कोरा पे हैं तो कोरा पे आप क्या आंसर्स करते हैं मतलब दूसरे लोगों का या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इधर लिंकड इन यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर आप यदि आपका एग्जिस्टेंस है तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है गूगल को कि हाँ आपका मतलब डाइवर्स लिंक है आपका प्रोफाइल है अदर भी सोशल मीडिया पे तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आपको वेबसाइट के लिए बॉट का सिग्नल जाता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया प्रोफाइल बैकलिंक कैन कंट्रीब्यूट टू अ डाइवर्स बैकलिंक प्रोफाइल डाइवर्स बैकलिंक का मतलब यहाँ पर यही है कि लाइक डू फॉलो एंड नो फॉलो बाइक डू फॉलो नो फॉलो का मतलब मैं ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुका है उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं वहां पर डिटेल में मैंने बताया हुआ है डू फॉलो एंड नो फॉलो सो डू फॉलो एंड नो फॉलो जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म पे आप प्रोफाइल बनाते हैं ये सारे नो फॉलो लिंक्स होते हैं एंड नो फॉलो लिंक कभी भी जूस लिंक जूस पास नहीं करता है, मतलब लिंक अथॉरिटी नहीं पास करता है तो इसीलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है बट गूगल बोलता है कि डाइवर्स बैकलिंक्स होने चाहिए डाइवर्स का मतलब डू फॉलो के साथ नो फॉलो बैकलिंक्स भी होने चाहिए तो प्रोफाइल बैकलिंकिंग आपका नो फॉलो बैकलिंग में ही आता है तो ये भी एक मतलब वैल्यू प्रोवाइड करता है इस सेंस में डाइवर्स बैकलिंकिंग में आता है यूजर एंगेजमेंट यूजर एंगेजमेंट का मतलब प्रोफाइल बैकलिंकिंग में यह होता है कि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसमें जब आप अपने सोशल मीडिया लिंक या अपने वेबसाइट का लिंक जो मेंशन करते हैं उस पर जब कोई यूजर जाता है आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है और प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद यदि उसे सही लगता है तो आपकी वेबसाइट पे भी वो विजिट करता है और आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा तो डेफिनेटली आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है तो इस तरीके से इनडायरेक्टली प्रोफाइल बैक लिंकिंग के थ्रू आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है और ये नेचुरल ट्रैफिक होता है इसे नेचुरल तरीका बोलते हैं बैकलिंकिंग बनाने का ये स्पैमी तरीका नहीं होता है एंड नेक्स्ट वन जैसा मैंने मेंशन किया है नो फॉलो लिंक्स नो फॉलो लिंक्स जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है तो ये सारे बेनिफिट होते हैं आपको प्रोफाइल बैक तो इसीलिए आपको जैसे आप यदि न्यू है आपका न्यू वेबसाइट है तो डेफिनेटली जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो अच्छे वेबसाइट्स हैं प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए आपका प्रोफाइल बना होना चाहिए उसमें सारे मतलब अदर भी प्लेटफॉर्म्स का राइक यदि आप कोरा पे हैं तो फेसबुक लिंक इन यूट्यूब इन सब का लिंक मेंशन कर सकते हैं आप यदि लिंकड इन पे हैं तो अपने वेबसाइट और कोरा यूट्यूब इन सब के लिंक मेंशन कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एक अपना प्रोफाइल बनाते हैं और वहां से ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे लेकर आते हैं तो ये अच्छा मतलब टेक्निक होता है ये कोई स्पैमी टेक्निक नहीं होता है अब जैसे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है उसको देख लेते हैं लाइक कोरा पे मेरा प्रोफाइल है यहाँ पे जाते हैं फाइल को देखते हैं ये जैसे मैंने कोरा पे एक प्रोफाइल अपना बनाया हुआ है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर सबके यहाँ पे लिंक जैसे यूट्यूब का लिंक मेंशन है ट्विटर का लिंक मेंशन है यहाँ पर तो इस तरीके से आप अपना लिंक बना सकते हैं अच्छा जो भी इस पर लिंक है उसको आपको चेक करना है कि ये डू फॉलो है या नो no फॉलो तो सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है देन गो ऑन इंस्पेक्ट जब आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं ए नो फॉलो बैकलिंक्स हो जो मैं बता रहा था एक जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे आप प्रोफाइल बनाते हैं वो सारे नो no फॉलो होते हैं कमेंट्स में भी जो कोई भी लिंक डालते हैं वो भी नो फॉलो लिंक्स होते हैं जो कि लिंक जो पास नहीं करता है ऐसे ही आपका आप यूट्यूब पे भी प्रोफाइल होता है यूट्यूब पे भी रह्राम फेसबुक का डालते हैं ट्विटर का डाल सकते हैं ऐसे डिफरेंट वेबसाइट का भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर लिंक GitHub पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं इस पे अपना डिटेल्स और अपना लिंक मैं कर सकते हैं तो इस तरीके से आप प्रोफाइल बैक लिंक के थ्रू अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं आई होप कि आज के सेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोफाइल बैक लिंक्स का बेनिफिट क्या होता है कहाँ बनाते हैं कैसे बनाते हैं ये सारे डिटेल्स का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैकलिंग सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ टेक्निक का डिस्कशन करेंगे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग